नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेडिकिट्स पे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेमटोन सिरप के बारे में। जानेंगे क्या क्या इसके मुख्य यूज होते हैं, क्या क्या कंपोजिशन होते हैं, क्या क्या डेली डोजेज होते हैं और क्या क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और हम यह भी बात करेंगे कि मेमटोन को दिमाग की टॉनिक क्यों कहा जाता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं मेमटोन सिरप के बारे में, तो सबसे पहले आप यह जान लें कि जो मेमटोन सिरप होता है यह मुख्यतः किनको इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। तो यदि आपका दिमाग बहुत तनावग्रस्त होता है, आपको नींद नहीं आती है, दिमाग में बहुत चिंता बनी रहती है, इसके अलावा आपको भूलने की बीमारी होती है, जैसे आप किसी से मिले उनका नाम आपको पता चला और फिर एक दिन बाद पता चला आप उनका नाम भूल गए, या फिर आप कोई काम करते हैं तो जैसे आपको कोई और काम करने के लिए कहा गया है लेकिन आप गए तो आप भूल गए कि आपको कौन सा काम करना था। तो इस प्रकार के जो प्रॉब्लम होते हैं उनके लिए, उनके इलाज के लिए मेमटोन सिरप को यूज करने का सलाह दिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेमटोन सिरप के बारे में। तो यह एक मेंटल वेलनेस सिरप होता है जो कि दिमाग से संबंधित, दिमाग की परेशानियों से संबंधित इलाज के लिए उपयोग में लाया जाता है। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें कि क्या क्या इसमें कंपोजिशन होते हैं, तो इसमें आपका जटामासी होता है, सर्पगंधा होता है, ब्राह्मी होता है, शंख पुष्पी होता है, अश्वगंधा, खुरासनी, अजवाइन, एस्टी मधु, धनिया, इस प्रकार के उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जिनके मात्रा भी इसमें लिखे हुए हैं कि कितने कितने मात्रा में यह मिला होता है। यह एमिल फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है जो कि यह एक पूरी तरह से आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है। अब हम बात कर लें इसके प्राइस की, तो अभी जो 200 ml का सिरप होता है वह 260 रुपये का आता है। यह सिरप आपको किसी भी नॉर्मल मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। हालांकि आप इस सिरप को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना भी उपयोग में ला सकते हैं, लेकिन इस प्रकार के जो भी प्रॉब्लम हो आपको डॉक्टर का सलाह लेने के बाद ही उपयोग करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इसके फायदे के बारे में कि मेमटोन सिरप के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो जो मेमटोन सिरप होता है यह मुख्य रूप से दिमाग से संबंधित परेशानियों के लिए उपयोग में लाया जाता है। जैसे कि किसी का दिमाग बहुत कम काम करता है, भूलने की बीमारी है, जल्दी जल्दी कोई भी चीज़ ध्यान नहीं रहता है कि हमें क्या करना है। इसके अलावा यदि सर में हल्का हल्का दर्द बना रहता है, नींद नहीं आती है, तनाव बना रहता है, और इसके अलावा यदि बहुत ज़्यादा चिंता बनी रहती है और हकलाने की जो एक प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी मेमटोन सिरप का उपयोग किया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं रिड्यूस डे टू डे स्ट्रेस इन एडल्ट, यानी कि इस सिरप को 6 साल से लेकर 60 साल तक के व्यक्ति उपयोग में ला सकते हैं। मुख्यतः यह एडल्ट के लिए ही उपयोग में लाया जाता है जो कि स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए मुख्य रूप से उपयोग में लाया जाता है। या नर्व से संबंधित, दिमाग के नर्व से संबंधित जितनी भी परेशानियां होती हैं उनके इलाज के लिए मेमटोन सिरप का उपयोग किया जाता है। अब हम बात कर लें इसके डोज की कि इसको कौन कौन और कितनी मात्रा में उपयोग किया जा सकता है। जो आपका मेमटोन सिरप होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं यानी कि 6 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चे होते हैं, वह दिन में एक चम्मच दिन में 2 बार ले सकते हैं, यानी कि 1-1 चम्मच सुबह और शाम ले सकते हैं, जो कि मुख्यतः उनके लिए फायदेमंद होता है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते यदि आप इस प्रकार के लेते हैं तो। और जो एडल्ट होते हैं यानी कि 18 साल के ऊपर के होते हैं, वह दिन में 2-2 चम्मच दिन में, यदि ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 3 बार ले लें, और यदि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉर्मली उपयोग कर रहे हैं तो आपको 2 बार ही उपयोग करना है। इसके अलावा अगर साइड इफ़ेक्ट की बात किया जाए कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं मेमटोन सिरप के, तो नॉर्मली इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देखे जाते हैं। यह पूरी तरह से एक आयुर्वेदिक मेडिसिन होता है। अब हम बात करें कि क्या महिला या पुरुष के लिए कोई अलग अलग इसके इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, तो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों ही इस सिरप का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक बात ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि यदि आप मेमटोन सिरप का उपयोग कर रहे हैं तो आपको जो है प्रेगनेंसी में जो महिलाएं होती हैं उनको उपयोग करने की सलाह नहीं दी जाती है। वैसे तो इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आप इस सिरप को ले रहे हैं और किसी भी प्रकार की आपको हेल्थ इशू देखने को मिल रही है तो आपको तुरंत इस सिरप को लेना बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा दिमाग से संबंधित कोई भी और परेशानियाँ हों आपको, तो आपको डॉक्टर के सलाह से उपयोग करना चाहिए।
और मेमटोन सिरप से संबंधित आपको किसी भी प्रकार की और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार करने वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।